चलिए सवाल में ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन कल देख लिए थे, ये भी देख लिए थे, लेकिन इसका रचना का चरण हम नहीं लिखे थे। कुछ विद्यार्थी से बना है, कुछ से नहीं बना था, फिर से इसको बना रहे। ठीक है, कितना बोला है, 4 CM, 5 CM और कितना, 6 CM वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा की कितना है, 2/3 गुनी है। हम बताए थे कि नीचे जब डबल रहेगा तो त्रिभुज के मतलब फिगर के अंदर फिगर बनेगा, ठीक है, और ऊपर जब डबल रहेगा तो फिगर के बाहर फिगर बनेगा। ध्यान रखना, नीचे जब डबल रहेगा तो फिगर के अंदर फिगर बनेगा और ऊपर जब डबल रहेगा तो फिगर के बाहर फिगर बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ओके, आई दोनों के देखेंगे दोनों में से बड़ कितना है, तो बड़ कौन है, 3 है ना बड़, 3 को चाप काटेंगे। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, आप प्रोसेस पर ध्यान रखिए। ठीक है, सबसे पहले 4, 5 और कितना वाला, 6, तो हम लोग 5 CM वाला ले लेंगे, 4 भी ले सकते हैं, हम पहले 5 लेंगे। ठीक है, चलिए दिख रहा है आपको, हाँ चलो भाई, बाकी सभी चले आओ इधर, यहां से कटिए, 5 लेना है ना, चलो यहाँ पे ये कर दो, ये है ना 5 है, ये कितना है, 0, 0 से 5 हो गया। अब फिर कितना लेना बुआ, 4 लेना है, तो यहाँ मिलाओ, अच्छा बहुत टाइट कर ले करे, दिख रहा है, देख लेना ऐसे रखो, कले वाला किसका था रे, वो ठीक था भाई, अतः टाइट भी, चलो ये है 4, ठीक है, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, चलो फिर कितना लेना है आपको, 6 लेना है, मिलाओ ऐसे, 6 6 6 6, ठीक है, 6 इधर इधर से 4 ली, 5 है, इधर से कितना लेंगे, 6, जहां बिंदु का लोती रखना, ठीक है, अब इसको जहां कटा वहां पे मिला दो, देख लो तू ऐसे मिले ले था, डायरेक्ट मिले ले था, ये प्रोसेस होता है, समझा, प्रोसेस को समझो फिर मिलाओ, डायरेक्ट लेता है बस मिला देता है। चलिए ध्यान रखिए, ठीक है सतीश की, ध्यान दो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 2/3 गुनी करना है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे वो न्यून कोण बनाएंगे, तो न्यून कोण बनाने के लिए आते चाप ले लो कितना के, 60 डिग्री के, यहाँ पे ऐसे चाप ले लो 60 डिग्री के, या डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, सीधा हो जाएगा तब ना ये लंब हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि है ना सीधा होगा तब, लेकिन 90 डिग्री से कम होगा तो कथी होगा, न्यून कोण नहीं होगा, 0 से 90 के बीच वाला कोण जो होता है न्यून कोण होता है। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट खींच देंगे, हो गया। चलिए इसका नाम कथी लेंगे, बी, इसका सी, इसका ए, ठीक है, इसका एक्स, कोई दिक्कत? अच्छा, आप जो है ज्यादा डबल भी नहीं होना चाहिए ना, ज्यादा छोटा होना चाहिए, तब B1 है ना भाई, B2 एंड B3, 2/3 गुनी है ना, तो ज्यादा कौन है, 2 है कि 3 ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगा उतना चाप ले लेंगे। ठीक है, चलिए और फिगर कहाँ बनेगा, अंदर की बाहर, अंदर, इसलिए अंतिम वाला से मिला देंगे। ठीक है, इसका नाम हो गया B1 B2 एंड B3, अंतिम वाला से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। देखो डायरेक्ट मत मिलाना, सब डायरेक्ट मिला देता है, तो होशियार चंद्र सा ध्यान दे, थोड़ा सा और अंदर करेंगे। ठीक है, चलो हो गया, थोड़ा सा हिल गया है, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख लो, लाइट जला रहा है, जल रहा है, ऐसा दिख भी नहीं रहा। चलो चाप अंदर कर लो या थोड़ा सा बाहर कर लो, तो और मर्जी, हम थोड़ा बाहर कर लेते। ठीक है, चलिए ये हो गया, यही चाप 2/3 गुनी है ना, 2/3 कितना गुनी है, 2/3 गुनी है ना, 3 पर तो चाप ले लिया, अब 2 पर लेंगे, ऊपर जितना रहेगा वो पर अब लेंगे। ठीक है, 2 है ना, तो 2 ही हो गया, इस पर लीजिए। ठीक है, इसको मापो, इसको सेम भी आ सकता है, कभी कभी अलग भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया।
चलिए यहाँ पे रखेंगे हम, ठीक है, दिख रहा है सबको? चलो अब बाद में ना पूछिए। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, इससे मिलाएंगे, इससे टू से, ठीक है, इसको यहाँ पे रख लेना एक बार ना होगा तो। चलो भाई ठीक है, मिला दो। ठीक है, अब कोशिश करना कि यह चाप रखोगे तो सही रहेगा, यह चाप इकट्ठा है ना ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा न्यून ये चाप हो गया तो ठीक है ना, तो चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चाप यहाँ रखना चाहो तो ठीक है रख सकते हो, ना तो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि चेंज करोगे टेंशन ना आएगा, आएगा ठीक है। ये हो गया, अब चेंज ना करना, जो इतने से लेना वही चाप इतने रखना, ठीक है, ऐसा खींचेंगे, ठीक है, इसको मापेंगे हम, ओके। ठीक है, यहाँ पे रखिए, हिल डोल करोगे इन्होंने करोगे तो आंसर थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, ठीक है, अब इससे इसको मिलाएंगे। चलिए ये हो गया, देखिए फिर भी थोड़ा सा लग रहा है ना कि यहाँ पे पतला हो गया, थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए कहते ए डैश, ठीक है, और ये हो गया सी डैश। अब इसको इसका रचना का चरण हम लिख रहे हैं, ठीक है, चलो आप लोग इसको बनाओ पहले। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं, जो बनाए हैं, और कल भी क्वेश्चन हम करा दिए थे, ठीक है रे, उसका ही रचना का चरण है ये, पूरा काम करोगे तो कितना, 5 नंबर तुम्हारा है। रचना के चरण में क्या किए हैं, तो रचना के चरण में क्या लिखा जाता है, जो काम किया जाता है, ठीक है, तो एक रेखा बीसी खींचे जिसकी लंबाई कितना है 5 सेम, क्या पहले यही काम हुआ है कि दूसरा हुआ है, यही हुआ है, हाँ, बिंदु बी से 4 सेम दूरी पर एक चाप काटे, ऐसे नहीं किए बिंदु बी पर काटे हैं, फिर बिंदु सी से 6 सेंटीमीटर दूरी पर एक अन्य चाप काटे, फिर सी पर काटे हैं 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, दोनों चाप रेखाखंड बीसी के कथी है एक ही ओर है ना, एक ही ओर, चलो, तथा दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु कथी मान लिया हम लोग, ए बी तथा बीसी को मिलाया, फिर ए बी को मिलाया और बीसी को मिलाया, ठीक है, एक कथी बोला है, फिर एक न्यून कोण सी बी एक्स खींचे, फिर याद करो यहाँ पे लाइन पे यहाँ पे न्यून कोण बना भाई, इसका नाम इसका सी और इसका बी और इसका एक्स, ठीक है ना, फिर बोला है किरण बी एक्स पर, किरण बी एक्स हो गया, तो क्या बचा अपने 1 2 3, इसका नाम बी वन, इसका बी टू और इसका कथी बी थ्री दिए, है कि नहीं, बिंदु बी वन बी टू और बी थ्री लिए, जहां हाई बराबर हाई बराबर हाई है कि ना, फिर बी थ्री से सी को मिला, फिर सी से कथी किया मिला दिया, ठीक है, मिलाया, फिर क्या देखे कि कोण बी बी थ्री सी यानी बी बी थ्री सी यानी ये वाला कोण बनाए, और फिर बी बी टू सी डैश कोण बनाए, यहाँ पे जो बनाए थे यहाँ पे वो इसको मिला दिया, यहाँ पे कथी बनाए कोण, इसका नाम हो गया बी बी टू सी डैश, ठीक है, कोई दिक्कत, जहां सी डैश बी सी पर स्थित है ना भाई, फिर यहाँ पे देखिए ए सी बी बराबर ए डैश सी डैश बी खींचे, यहाँ तो ये बना लेते थे हम, अथी कर दिए हैं मिटा दिए हैं, चलो फिर इस तरह के कथी किए, यहाँ पे कोण बनाए, ये कोण बनाए, इसका नाम कथी वही वाला कोण का ए सी बी हो गया, फिर यही कोण यहाँ पे ऐसे कोण बनाया, इसको मापे इसको ऐसे कर दिया, फिर इसको मिला, इसका नाम कथी दे दिए ए डैश, ये बोला है ये वाला कोण का नाम कथी, ये वाला कोण का नाम ए डैश सी डैश बी हो जाएगा, यानी ई वाला कोण ये वाला कोण दोनों कथी हो गया बराबर हो गया, लिखा है कि ए सी बी वाला कोण ए डैश सी डैश बी खींचे, जहाँ ए डैश ए बी पर स्थित है, ए डैश है ए बी पर स्थित, इस प्रकार हमें एक अभीष्ट त्रिभुज ए डैश बी डैश सॉरी ए डैश बी सी डैश प्राप्त होता है, जिसकी भुजा है त्रिभुज ए बी सी के संगत भुजाओं की कितना गुणी है, यानी एगो नया त्रिभुज मिल गया ना, यही जो है इसका कितना है 2/3, ठीक है, बोलो समझ में आया, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए। चलिए बुआ नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान दिया जाए, देखिए थोड़ा सा हम काम कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोग, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 5 6 और कितना 7
क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। 5, 6 और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का कितना है? 7/5 गुणी है। गौर से ध्यान रखिएगा, 7/5 गुणी है यानी इस बार ऊपर का डबल है, तो ऊपर का डबल है तो फिगर अंदर बनेगा कि बाहर? बाहर बनेगा। तो यही ध्यान रखना है कि निचल का डबल तो फिगर अंदर, ऊपर का डबल तो फिगर बाहर। ठीक है, तो फिगर बाहर बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। और चाप जो लेंगे जो डबल होगा से, तो दोनों में डबल कौन है? 7 चाप लेंगे। ठीक है, अब कितना दिया है? 5, 6, 7। तो देखिए 6 सेंटीमीटर ध्यान, अब 6 वाला ले लेंगे वो चाप हम लोग सबसे पहले। 6 cm है, कितना है? 6 cm। उसके बाद बच गया कितना? 5 और 7 बच गया, ये पर 5 लेंगे। फिगर बाहर बनेगा तो ध्यान रखना है एक चीज और, जगह होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, कितना है? 6 cm। ठीक है, इधर से बनाए, चलो 6 cm हो गया। इधर से बनाते तो हमारी टेढ़ नजर आता है, अच्छा टेढ़ है, कैमरा में सीधा बुझा रहा है कैमरे के अंदर थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा आगे हो जाओ इधर, चलो अब टेढ़ है, अब सीधा है, अब तेज है। अच्छा चलिए माइनस कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ये मान लीजिए कितना है? 6 cm। और इस पे लेंगे कितना? 5 cm बचा लेते, 5 का चाप लेंगे, इस तरह से कटेगा। इस पे कितना करेंगे? 7 का, फिर इसको कैसे करेंगे? मिलाएंगे, मिलाएं यहाँ, मतलब यहाँ तक था। ठीक है, आप लोग तो अथी से बनाएंगे तो सही बनेगा, फिर इसको मिला देंगे, मिला दिए। चलो मिलाने के बाद क्या करना है आपको? यहाँ पे न्यून कोण बनाना है, जो किनल लिए इसका नाम एक्स, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम ए। कोई दिक्कत? इस पे जो डबल है, कितना डबल है? 7 है ना, 7 को चाप लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो डबल है तो काम करने का प्रोसेस भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। निचल का डबल आता था तो लास्ट प्लस मिलाते थे, ठीक है ना, लेकिन ऊपर का डबल है तो 5 जो निचल का ले रहेगा उससे मिलाएंगे, तो कितना है? 5 है ना, तो 5 मिलाएंगे। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। तो B5 से मिला देंगे। ठीक है, इसको कितना से मिलाएंगे? B5 से। ठीक है, और एक चालाकी करना, जब यहाँ पे लाइन खींचना था थोड़ा डबल खींचना, ठीक है, बता रहे स्केल रखोगे लाइन डबल खींचना, एकदम सीधा डबल खींचना लाइन, ठीक है, थोड़ा डबल खींचना, हाँ पूरा स्केल जितना बोला उससे ज्यादा खींचना। और ज्यादा खींचने के समय तुम चेंज कर देना, यहाँ पे कितना 0 से लेना, यहाँ कितना बोला 6 ना, 6 पर टिक लगा देना, होता है ना प्रकार का नोक गिरा देना। ठीक है, और एक्स्ट्रा रहेगा अभी काम देगा एक्स्ट्रा वाला पार्ट। ठीक है, 5 का मतलब 6 लिया ना तो 6 पर गिरा देना नोक 0 से लेकर, ठीक है, और एक्स्ट्रा रहने देना, टेढ़ नहीं करना सीधा कटना, क्योंकि वही अभी काम देगा। फिर 5 से मिला दिए ना हम, अब क्या करेंगे भाई? यहाँ पे कोण बनाने का प्रक्रिया है ना, कोण चाप लेंगे, कोण बनाएंगे, इससे बाहर रखो या अंदर रखो तोड़ मर्जी, तो मान लो कि हम इस तरह से बनाए, यहाँ पे बनाएगा ऐसे, बना दिए, यही चाप लेंगे भाई, किस पे? लास्ट पे 7 पे। ठीक है, 7 है ना ऊपर चलेंगे भाई, क्या वही से बाहर जाएगा ऐसा। ठीक है, ठीक है, इसको देखते रहो नजर से एकदम, फिर इसको मिलाएंगे ऐसे, इसको कहाँ से भाई? यहाँ से, इस पे लाइन से, इससे ऐसे करें, कटा कट के ऐसे कीजिएगा, ऐसे रखिएगा ना, लखो यहाँ कटेगा, ठीक है, ऐसे कीजिएगा तो फिर इसको मिलाइएगा, मिला इस तरह से समांतर एकदम मिलेगा। और मिलने के बाद या तो इसको माप लो ऐसे, अन्य तो चेंज भी कर सकते हो, हम बार बार बोलते हैं वैल्यू चेंज भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पे करेंगे, ठीक है, चाप लोगे ऐसे तो ऐसे मिलेगा, फिर वही चाप यहाँ लोगे, ठीक है, ऐसे होगा, इसको मापो ऐसे रखो, टाक्सीम काटो, ठीक है, समझा। और ई जब अथी करना ना, फिर जो चाप लेना तो लाइन जो ऐसे रखते हो ना, चाप तुम कितना का लेना है? 5 का ना, तो 5 की जो चाप लिया इधर 5 cm और ये कितना? 7 cm लियो ना, तो जब स्केल से मिलाते हो तो लाइन कथी खींचना डबल, ठीक है, ध्यान रखना, चाप उतना ही लेना, लेकिन स्केल से जब मिलाओगे तो लाइन कथी खींचना काम देगा यहाँ पे, देखो, ठीक है, चलो। और भाई साहब ये हो गया, यहाँ पे कट गया, अब इससे इसको कथी करो, रखवा मिला दो, मतलब जहां कटेगा वहां पे मिलेगा, ठीक है, मान लो हमसे यहाँ कटा है, ठीक है, यहाँ पे मिल गया, ठीक है, इसका नाम कथी दिए थे? सी, इसका सी डैश, इसका ए डैश, इसका फिगर देखो बाहर बना, तो इस तरह से फिगर रेडी है। ओके, समझ में आया? क्या हम को भी बना दे या बना लोगे? बना ना, चलो हम ये बना देते हैं ना, तो तू सब फिर जो है, ठीक है,
बनाओ, बीच में बनाएंगे ना, तब तक काम करो तुम लोग, फंसे का तक नहीं बनाएंगे, ठीक है? चलो काम करो। पांच छह कितना हुआ? सात है ना, कितना लीजिएगा पहले? छह लेना है ना, ध्यान रखो हुआ छह लेना है। हम आपको बोले थे डबल खींचना लाइन, कैसे खींचना है? यहाँ जीरो से ले लिए ना, डबल हो गए, ठीक है? और यहाँ पे धसा दो, यहाँ पे ये हो गया जीरो और ये हो गया छ, ठीक है? चलो अब इस पे कितना का चाप लोगे? आए अब बच गया पांच और सात, ठीक है? तो ये हो गया जीरो, ये हो गया कितना? पांच, ठीक है? चलेगा? वाह, दिख रहा है? ध्यान दो इधर, बाद में करना, जब हम बना रहे थे ध्यान दो इधर, ठीक है? हो चलिए, अब कितना लेना है? सात। पांच ले लिए, अब सात लेंगे। अजीत ठीक है ना? हाँ। चलिए ये हो गया, मिला दें, ऐसे रखेंगे, ऐसे अंदर आ गया थोड़ा ना, चलो ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ाया है, अब इसको थोड़ा डबल खींचेंगे ना, ठीक है? अब इस पे क्या करेंगे? न्यून कोण बनाएंगे इस तरह से, ठीक है? देखो रे किरण, बार बार भूल जाती है, कितना लेना भाई चाप? क्या लेना है? सात को, डबल सात को, इसलिए सात को लेके, एगो दूगो तीन गो चार गो चार गो पांच गो छ गो ई सात गो, ठीक है? और इसका नाम दे दो, कथी बी, इसका नाम और इसका बी वन बी टू बी थ्री बी फोर एंड बी फाइव बी सिक्स बी सेवन, इसका नाम ए। और भाई कितना है? क्या नंबर क्वेश्चन है? तीन नंबर। कितना गुनी है? सात बटा पांच गुनी, तो भाई पांच पर इस पर बाहर फिगर बनेगा ना, तो पांच पर भाई छाप लेंगे हम लोग, पांच से इसको मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे? पहले पांच से इसको मिला दीजिए, इतना करना है, ठीक है? चलो ध्यान दो भाई, ध्यान दीजिए सर, ध्यान दीजिए सब आदमी, ध्यान दीजिए, ठीक है? चलो अब इस पे जो है हम लोग छाप लेंगे, ठीक है? थोड़ा बाहर ले लेते, ठीक है? इससे इसको मिला दीजिए, मिला दिए? अब भाई यही छाप कहाँ लेंगे? सात पर, ठीक है? दिख रहा है सबको, ठीक है? अब इस छाप को कथी करेंगे? मापेंगे, ठीक है? देखो यहाँ पे ये हो गया, अब यहाँ पे रखेंगे, लो भाई, ठीक है? अब इसके बाद कथी करेंगे? इसको मिलाएंगे, देख लेना सीधा टेढ़ वाकल सब कुछ लग रहा है, समांतर खींच दो, लग रहा है ना? खींच देंगे, ठीक है? ठीक है, थोड़ा सा देखो गड़बड़ाया है, ये वाला थोड़ा सा अंदर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग काम कीजिएगा तो सुधार लीजिएगा, ठीक है? अब भाई यहाँ पे या तो यही चाप रखो, ठीक है, या ये चेंज भी कर सकते हो, ठीक है? हम हर बार यही चाप रखते थे, इस बार चेंज कर दे, चलो कर देते हैं, यह है आगे पीछे कर लो, ठीक है? बढ़ा दिए, कोई दिक्कत? चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया, सेम चाप रखेंगे, इसमें इसमें सेम होना चाहिए, ऐसा ना कि ये वाला चेंज कर देना, अंदर भी कट गया कोई दिक्कत नहीं, अंदर कटे चाहे बाहर कटे कोई दिक्कत, कोई छोट लेगा तो इसके इधर रहेगा, कोई डबल लेगा तो थोड़ा इधर चलेगा, ठीक है? कोशिश करना कि थोड़ा छोट ले, ठीक है? चलो इसको मापो, करना है मापना है, इधर से रखें।
ठीक है चलो भाई, बाहर कटेगा तो बाहर से है ना, अंदर कटे तो अंदर, कोई दिक्कत नहीं। इसको मिला दीजिए, ध्यान दो, समझ गया होशियार चंद्र, ठीक है ध्यान दो, एकदम सीधा है। इसको भाई मिला देंगे, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, ए डैश, इसका नाम सी डैश। बोलो समझ में आया भाई, ये ना फिगर था। इसके रचना का चलन कथ करेंगे हम, यहाँ नहीं दिख रहा है ना, रुक जा रुक जा, कैमरा कैमरा तुमको उठाने दो भाई। चलो यही है, आपको दिख रहा है ना, ए डैश ए नाम लिख दो भाई। इसका कितना है लंबाई, 5 cm, ये जो है 7 cm, ये जो है 6 cm, ठीक है समझा गया। इसका रचना का चरण हम ऑनलाइन देखेंगे, उसको फोटो लगा देंगे, आप लोग को भेज देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए बोर्ड पर। चलो हुआ, क्वेश्चन देखो, चार नंबर क्वेश्चन देखिए, चार किताब लो, देखिए चार जो है 3 के जैसा ही है, ठीक है। कैसे है तो अभी समझा देते हैं। बोला आधार 8 cm, आधार कितना लेना भाई, देखो ये लेंगे कितना, 8 cm, यहाँ तो कोई दिक्कत, हाँ कितना हो गया 8 cm। उसके बाद बोला कथी तथा ऊंचाई कितना, 4 cm, ये वो नया शब्द हो गया, ऊंचाई के बारे में अभी तक जिक्र नहीं था। आधार 8 cm तथा ऊंचाई 4 cm की एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, किसका, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इसमें 2 को भुजा बराबर होना चाहिए भाई। समद्विबाहु त्रिभुज की कथी कीजिए, रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा एक समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजा कितना, 1.1/2, यानी 1.5 गुनी है ना। अब 1.1/2 का मतलब हो गया 2×1=3/2, ऊपर का ज्यादा है तो ऊपर का ज्यादा है तो फिगर कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा ना, अभी बाहर वाला ना देखे थे, बाकी प्रोसेस सेम है। आ जाओ बस, इसमें कथी बोला है आधार 8 और ऊंचाई कितना 4, अभी 8 ले लेते हैं, समद्विबाहु मिटा दे 8 है ना। चलो अब इसको समद्विबाहु करने का तरीका बताते, याद है आधा से तो ऐसे करोगे, ठीक है, फिर इधर भी करोगे, इधर भी करोगे, थोड़ा डबल खींचो, ऐसे करोगे, बोलो भाई, फिर इधर ऐसे करोगे, सामने सामने हो ना भाई, ऐसे इसको कथी करोगे, डैश से मिलाना, कथी से मिला दिए, आए मिलाने के बाद चाप रखना, 4 cm, 4 cm बोला ना भाई, 4 cm यहाँ रखना और ऐसे काट देना, मान लो यहाँ काटा, बोला ना भाई, इसको मिला दो, ठीक है, इधर से मिला दो। इसके बाद प्रोसेस वही करना सेम, उसके बाद क्या करना है, ऐसे करोगे, क्या को चाप लेना है, 3 गो, क्या गो, 1 गो 2 गो, लास्ट वाला से मिलाएंगे किससे, लास्ट वाला से, फिगर अंदर बनता है तो लास्ट वाला से मिलाते हैं, पगलेट पियक्कर दूसरे मिलाएंगे ना, इससे मिला देंगे, ठीक है। इसका नाम बी हो गया, इसका नाम सी हो गया, इसका नाम ए हो गया, इसका B1, B2 and B3, 2 से मिला देंगे ना, कैसे से मिलाएंगे बुआ, 2 से, सही से मिलाएंगे 2 से, ठीक है। थोड़ा ये बताया था ना कथी करने के लिए, 8 बोला लेकिन हम लोग ज्यादा लेंगे, पता है ना, पहले बोल देते हैं, चलो इसमें भी थोड़ा ये ज्यादा कितना, ठीक है चलो, ठीक है। अब कहते हैं यहाँ पे देखो, नहीं बुझा तो मेरा गलती नहीं है, यहाँ पे चाप खींचेंगे 2 पर, ठीक है, पर 3 पर, इसको मापेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे, करेंगे ना बुआ, फिर इसको कथी करेंगे, मिला देंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे है ना, इसको मापोगे, इसको ऐसे करो, जैसे ए डैश सी डैश, बोलिए कहाँ से चाप लिए, यही ना, अरे अरे पहले सुनो यार, ई चाप लेंगे, ई चाप लेंगे और फिर यहाँ से, यहीं से ना काटते हैं, पहले ये समझो, ई समझा, इसको मिला देंगे, कौन ई वाला, यहाँ से चाप लेंगे, इसको मापना है, इसको 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 मापने के बाद यहाँ काटे हैं, ठीक है ना, दूसरा नहीं, ठीक है, फिर इसको मिला, ठीक है, अरे यहाँ से मिलाना यार, अभी बताया ना क्वेश्चन में, अच्छा यहाँ से मिला दिए, हाँ मिस्टेक हो गया, सॉरी, ठीक ठीक ठीक, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ठीक है, अब ठीक है, चलो ओके। अभी जो काम किए थे पिछला, बस इसमें एक्स्ट्रा काम किया, वही समद्विभाजित करने वाला, तो देखो एगो भुजा मतलब ई भुजा और ई भुजा दोनों बराबर है ना, समझा, ई भुजा ई 8 cm का लगे, ई 4 cm के बन जाएगा। चलो रचना के चरण जो है भेज देंगे इसका, ठीक है, चलिए रहने दिया जो है।